अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रौनक जहान ब्लॉग्स में आप सबका वेलकम। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ चिकन अंगारा। तो चलिए देखते हैं इसके सारे इंग्रेडिएंट्स। ये मैंने ली हूँ 1 kg चिकन। ये मैंने इसको अच्छी तरीके से धो ली हूँ। और ये बनाने के लिए हम लोग को लगेंगी 2 तली हुई प्याज। इसको मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज को तल के रख ली हूँ। और ये है 4 मीडियम साइज के टमाटर। इसको मैंने ऐसा मोटा मोटा चॉप कर लियो। हम लोग इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। और ये है सारे गरम मसाले जो हम लोग को लगेंगे। ये है धनिया 2 टेबल स्पून, सूखी लाल मिर्ची 4 से 5, 4 लौंग, 2 छोटी दालचीनी, 8 से 10 काली मिरी, 4 इलायची और 1 टेबल स्पून जीरा। और इसको बनाने के लिए लगेंगे हम लोग को ये सारे मसाले। लाल मिर्च पाउडर है या आप स्पाइस जितना खाते हैं, मैंने 1 टेबल स्पून भर के ली हूँ। और ये है कसूरी मेथी 2 टेबल स्पून, धनिया यानी कोतमीर, इसको धो के मैंने इसको चॉप कर ली हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून है। और ये है ड्राई फ्रूट्स हम लोग को 4 बादाम और 4 काजू लेंगे। इससे क्या है हमारी ग्रेवी का टेक्स्चर माशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा और चिकन अंगारा की टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये है रिफाइंड ऑयल, इसको मैंने प्याज मैंने यही तेल में तल ली हूँ। और यही तेल हम लोग बनाने के लिए यूज़ करेंगे। और दही इसमें ज़्यादा लगेगा, हाफ लीटर दही ली हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं चिकन अंगारा बनाने की रेसिपी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो मसाले हैं गरम मसाले, इसको हम लोग दो तीन मिनट के लिए हम लोग इसको भून लेंगे। भूनने के बाद हम लोग इसको मिक्सी में ग्राइंड करके पीस लेंगे। ठीक, सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करने के लिए हम लोग लेंगे एक बड़ा भगोना। इसके अंदर मैंने प्याज तली हूँ। यही भगोने में हम लोग जो चिकन धोए रखे है ये चिकन ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग चिकन को मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रख देंगे, या फिर आपके पास टाइम है तो आप चिकन मैरिनेट करके ओवरनाइट भी रख सकते हैं। चिकन में सबसे पहले हम लोग डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप लोग नमक ऐड करिए। हम लोग डालेंगे ये जो मसाला चिकन अंगारा का जो मैंने पीस के रखी हूँ, ये भी हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद में अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून है, ये भी हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। पूरा अच्छी तरीके से डालेंगे। और ये टमाटर जो हमने मोटा मोटा चॉप किया था, इसको हम लोग मिक्सी में ग्राइंड करके ऐसा स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये भी हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद में ये जो तली हुई प्याज है 2 मीडियम साइज, ये भी हम लोग इसमें मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद में दही, 1 किलो चिकन के लिए मैं लूंगी 1/2 लीटर दही, ये भी हम लोग इसमें अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये है कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून भर के ली हूँ मैंने। आप जितना तेज खाते हैं आप लीजिए। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर मैंने ली हूँ 1 टेबल स्पून। इसके बाद में कसूरी मेथी 2 टेबल स्पून है, ये भी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। हल्का सा क्रश करके आप लोग ऐड कीजिएगा। और अब ये सारे मसाले हम लोग इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट करेंगे। चिकन को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करेंगे मसालों में। और इसको हम लोग 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में रख देंगे। चिकन को हम लोग ने अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लिया है। अब हम लोग ऊपर से डालेंगे इसमें तेल। ये जो प्याज मैंने तली हूँ उसका बचा हुआ तेल है। ठीक है, तो 1 छोटा कप भर के मैंने इसमें तेल ऐड कर ली हूँ। और थोड़ी सी धनिया भी हम लोग ऐड करेंगे और थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए रखेंगे। और फिर वापस से हम लोग इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके 1 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। माशाल्लाह हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग इसको हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे। तो ये मैरिनेट किए हुए चिकन को मैंने पकाने के लिए गैस पे रख दी हूँ। हाई फ्लेम पे हम लोग इसको 10 मिनट के लिए अच्छी तरीके से कुक करेंगे। और उसके बाद में लो फ्लेम पे हम लोग इसको पकाएंगे।
आप लोग देख सकते हैं चिकन का मसाला अच्छी तरीके से पक चुका है और तेल भी अच्छी तरीके से छूट चुका है। अब हम लोग चिकन को गलने के लिए इसको स्लो आंच इसकी गैस इसकी स्लो कर देंगे और इसको स्लो फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए पकने रख देंगे। माशाल्लाह हमारा चिकन अंगारा पक चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग इसको कोलसे से इसका बघाड़ देंगे। आप लोग चाहे तो तेल से भी दे सकते हैं या फिर मैं बटर से दे रही हूँ। अब हम लोग इसको कोयले से इसको भाप देंगे तो इसका फ्लेवर और अच्छे से बढ़ जाएगा। तो हम लोग पहले ये जो कोलसा है कोयला है ये हम लोग इसमें गर्म करके ऐसे रख देंगे बीच में, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोग डालेंगे बटर और इसको जल्दी से बंद कर देंगे। तो देखिए माशाल्लाह हम लोग ने इसको कोयले से इसको भाप दे चुके हैं। अब हम लोग इसको ये निकाल देंगे, ठीक है। हमारा चिकन अंगारा रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसको सर्व करके मैं आपको बताती हूँ। हम लोग इसको अलग से एक बाउल में सर्व करेंगे। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा टेक्सचर हुआ है चिकन अंगारा। माशाल्लाह हमारी चिकन अंगारा रेसिपी रेडी हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनी है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसको कोथमीर से गार्निश करूँगी। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको रोटी से नान से या चावल से बघारा राइस से आप लोग खा सकते हैं। तो इस चिकन अंगारा की रेसिपी को आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी है और रमज़ान में भी आप लोग इसको बना सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल रौनक जहान व्लॉग्स। थैंक यू।